हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गीता के बारे में वैष्णवी तंत्रसार नामक ग्रंथ में एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धा गीतामृतंग महत। अर्थात सारे उपनिषद गौवें हैं, उन शास्त्र रूपी गौओं के स्तनों से जो ज्ञान रूपी दूध निकला है वही गीता है, और इस गीता रूपी दूध को दोहने वाला ग्वाले का पुत्र कृष्ण है। अर्जुन बछड़ा है जो कृष्ण रूपी ग्वाले की मदद से गीतामृत रूपी दूध पी रहा है। वास्तव में गीता ज्ञान भक्ति और कर्म की एक गंगा है जो युगों युगों से इस धरती पर बह रही है। गीता की उत्पत्ति एक बड़े ड्रामेटिक मोमेंट में हुई थी। ये वो क्षण था जब कौरवों और पांडवों की महान सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरे के सामने आकर डट गई थी, और पांडवों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन ने अचानक युद्ध करने से इनकार कर दिया था। इसी ड्रामेटिक या ड्रामाई क्षण के आधार पर ही गीता की सारी फिलॉसफी और सारे ज्ञान का महल खड़ा किया गया है। ये ज्ञान ये फिलॉसफी केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए, सारी मानव जाति के लिए है, क्योंकि अर्जुन की तरह हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि उस समय उसका धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। इसलिए ज्ञानियों का कहना है कि हर प्राणी के जीवन में जो कर्तव्य क्षेत्र है वही उसका कुरुक्षेत्र है। हम सबको अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर कदम कदम पर अर्जुन की तरह अपने कर्तव्य अपने धर्म का फैसला करना पड़ता है। अर्जुन कायर नहीं था, उसने हजारों लड़ाइयां लड़ी थी, परंतु कुरुक्षेत्र में अज्ञान ममता और मोह के कीचड़ में फंसकर वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। संत ज्ञानेश्वर ने अपनी ज्ञानेश्वरी में अर्जुन की अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है
कि जैसे एक राजहंस कीचड़ में फंसकर बाहर नहीं निकल सकता, वही अवस्था उस वक्त अर्जुन की थी। वास्तव में अर्जुन हर उस जीवात्मा का प्रतीक है जो जिज्ञासु है, जो जीवन की राह पे चलता हुआ अपनी मंजिल का रास्ता ढूंढ रहा है। इसलिए हमने उसके द्वारा वो सारे प्रश्न कराए हैं जो गीता को पढ़ते हुए एक साधारण व्यक्ति के मन में उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो जीवन दर्शन, जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ अर्जुन को बता रहे हैं, उसका समर्थन भगवान शिव के द्वारा भी कराया गया है। भगवान शिव स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप है। उनके मुखारविंद से न केवल कुछ गूढ़ विषयों की सरल व्याख्या करने का मौका मिलता है, बल्कि उनके द्वारा कुछ वो बातें भी कही जा सकती हैं जो गीता के अलावा दूसरे उपनिषदों में लिखी गई हैं और गीता की फिलॉसफी की पुष्टि करती है। इसी प्रकार धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध का मुख्य खलनायक है। वास्तव में इस महायुद्ध का विलन वही है, क्योंकि वो राजा था। वो यदि चाहता तो युद्ध कभी ना होता। भीष्म द्रोणाचार्य केवल राज सिंहासन की आज्ञा मानते, दुर्योधन की आज्ञा कभी नहीं मानते, परंतु धृतराष्ट्र की बुद्धि पर पुत्र मोह और राज लोभ का ऐसा मोटा पर्दा पड़ गया था कि वो अधर्म को धर्म और असत्य को सत्य मानने लगा था। वो संसार के उन प्राणियों का प्रतीक है जो दुष्ट वृत्ति वाले होते हैं। धृतराष्ट्र का चरित्र ये साबित करता है कि जब मोह लोभ और ईर्ष्या का पर्दा किसी मनुष्य की बुद्धि पे पड़ जाता है तो वो अच्छी बातों और अच्छे कर्मों को बुरी साबित करने की कोशिश करता है। उसका स्वार्थ उसे धृतराष्ट्र की तरह अंधा बना देता है, तब उसे धर्म का उपदेश अच्छा नहीं लगता। यहां तक कि वो ऐसा उपदेश देने वाले को बुरा भला भी कहने से नहीं चूकता, भले ही उसे यह पता हो कि उपदेश देने वाला स्वयं भगवान है। उसे भगवान श्री कृष्ण ने जब वो शांति दूत बनकर आए थे समझाया था कि युद्ध को तुम रोक सकते हो। बताइए महाराज, बताइए, क्या आप पांडवों को उनके अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं? बोलिए महाराज, बोलिए। बोलिए महाराज धृतराष्ट्र, यह समय मौन रहने का नहीं है। दुर्योधन का पांडवों के प्रति ये द्वेष, यह हठीला स्वभाव स्वयं अपने विनाश के द्वार को खटखटा रहा है, युद्ध का न्योता दे रहा है। और यदि यह युद्ध हुआ तो इसमें केवल दुर्योधन का ही नहीं, संपूर्ण कौरवों का विनाश होगा और इस विनाश का उत्तरदायित्व आप पर होगा महाराज, आप पर। उसके अपने पिता महर्षि व्यास अंत समय में उसे समझाने आए। पांडवों का राज लौटा दो, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें शायद क्षमा कर भी दूं धृतराष्ट्र, परंतु कुरुक्षेत्र में जो कुछ घटने वाला है उसके लिए इतिहास तुम्हें युगों युगों तक क्षमा नहीं करेगा धृतराष्ट्र। परंतु उसने उनकी भी नहीं सुनी। ऐसी ही प्रवृत्ति वाले लोग जिन्हें दूसरों के सुख से जलन होती है, यही वो लोग होते हैं जो अपने साथ साथ इस संसार को भी ईर्ष्या अन्याय और अधर्म की आग में जलाकर राख कर देते हैं, जैसे धृतराष्ट्र ने किया। संजय धृतराष्ट्र की इनर कॉन्शियस का सिंबल है, उसके जमीर अर्थात उसकी अंतरात्मा का प्रतीक है। हर मनुष्य का जमीर या उसकी अंतरात्मा संजय की तरह सत्य को देख सकती है और प्राणी को सत्य समझाने की कोशिश करती रहती है। कुछ लोग अपने अंतर की आवाज को सुनते हैं, परंतु धृतराष्ट्र जैसे स्वार्थी और दुष्ट बुद्धि अपने अंतर की उस आवाज को भी दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राणी के अंतरात्मा की आवाज
संजय की तरह चुप नहीं रहती। यह आप कैसी अनुचित बातें कर रहे हैं? एक क्षत्रिय महाराज को ऐसी अधर्म और अन्याय की बातें शोभा नहीं देती। आपकी बातें युद्ध के नियमों के विरुद्ध है महाराज। एक निशस्त्र योद्धा और उसकी सेना पर वार नहीं किया जाता। इस समय हम गीता के दूसरे अध्याय के मध्य में हैं। वास्तव में दूसरा अध्याय ही गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें सारी फिलॉसफी, सारा दर्शन भर दिया गया है। ज्ञानी जनों का कहना है कि गीता का दूसरा अध्याय सारी गीता के 18 अध्यायों का प्राण है, और उस दूसरे अध्याय के आखिरी 18 श्लोक उसकी आत्मा है, जहाँ स्थित प्रज्ञ के गुणों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। उन 18 श्लोकों और उनमें वर्णित स्थित प्रज्ञ के बारे में हम आपको अगले भाग में बताएंगे। जय श्री कृष्ण। हे केशव, एक तरफ तुम संन्यास की बात करते हो, सन्यासी की भांति सब नाते रिश्तों के बंधन को तोड़ने को कह रहे हो, और दूसरी ओर मुझे कर्म करने को कह रहे हो। ये दोनों बातें विरोधी हैं। तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है, और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी संबंध किसी रिश्ते के बगैर तो भावना पैदा नहीं हो सकती। अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो, संबंधों और रिश्तों से ही भावनाओं का स्रोत फूटता है, परंतु भावनाओं की यह नदी जल्दी सूख जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आग में पानी की बूंद तुरंत ही लुप्त हो जाती है। मरने वाले की चिता के ठंडे होने से पहले ही रिश्तेदारों की आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं। कोई दो घड़ी आंसू बहाता है, कोई दो दिन, बहुत रोती है तो मां, वो भी चंद दिनों में फिर संसार की माया में फंसकर अपने दूसरे कर्म में लग जाती है। पार्थ, इस लोक का कोई पदार्थ रे, संग तेरे परलोक न जाए, पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म में याद न आए। स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए, हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के कराते हैं, घर के स्वामी के जाने पर
शुद्धि कराते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। जिनकी रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। अपना पिंड छुड़ाते हैं। इन नातों के मोह में पड़ के मूर्ख जन्म गंवाते हैं। तोड़ इन नातों की बनाते हैं। हे केशव, एक ओर तो तुम मुझे ये सिखा रहे हो कि ये रिश्ते नाते सब चंद दिनों का दिखावा है, और दूसरी ओर अभी अभी तुमने ये कहा कि संबंधों और रिश्तों से ही भावनाओं का शोध फूटता है। कहा था ना? हाँ, और मैंने ये कहा था कि कर्म करने के लिए किसी न किसी भावना का होना जरूरी है, और भावना के लिए रिश्ते नातों की आवश्यकता है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। धर्म के लिए? हाँ, अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य समझ ले कि उस परिस्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। भावना तो कई बार कर्तव्य के रास्ते में आ जाती है, मनुष्य को कमजोर कर देती है। जैसे इस समय तुम्हारी भावनाओं के कारण तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया है, वो तुम्हें कर्तव्य के रास्ते से भटका रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कर्तव्य भावना से ऊंचा है। अभी तुमने बड़े ज्ञानियों जैसे तर्क किए कि कर्म के लिए कोई प्रेरणा होनी चाहिए और प्रेरणा के लिए कोई भावना आवश्यक है। ये सारे तर्क मोहजनित हैं। रिश्ते नातों के मोह ने तुम्हारी बुद्धि को धूमिल कर दिया है, इसलिए तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए इस समय तुम्हें धर्म स्पष्ट दिखाई नहीं देता। धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? इस बात का निर्णय कौन करता है? हे मधुसूदन, वो कौन है जो धर्म का विधान बनाते हैं? हे अर्जुन, हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। मैं समझा नहीं केशव। देखो पार्थ, धर्म का जो विधान किसी दूसरे ने बनाया हो, वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। मैं अब भी नहीं समझा केशव।
देखो पार्थ, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। किसी के गांव पर डाकू हमला करके गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर पड़ा जीवन की अंतिम सांस ले रहा है और पुत्र से बार बार पानी का एक एक घूंट मांग रहा है। उस समय उस व्यक्ति का क्या धर्म है? वो मरते हुए पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए तलवार उठाकर उन डाकुओं का मुकाबला करे और आवश्यक हो तो जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाए? इसका निर्णय कोई दूसरा कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति क्या करे? उसका फैसला कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। यह निर्णय उसी को लेना होता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है, उस समय उसकी आत्मा जो आवाज दे वही उसका धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। अपने अपने कर्म का सबके लिए विधान, जग में कर्म प्रधान है, जग है कर्म प्रधान, जग है कर्म प्रधान। हे पार्थ, मैंने यहां तक जीवन मृत्यु की वास्तविकता बताई है कि केवल शरीर ही नश्वर है, आत्मा अनंत और अनश्वर है जो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती है। न जायते मृते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है या जो इसे मारने वाला समझता है वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए किसी के मरने या मारने का शोक किए बिना तू अपना कर्तव्य कर। तेरा धर्म युद्ध करना है, तू अपना धर्म समझकर युद्ध कर। युद्ध युद्ध युद्ध, ये श्री कृष्ण आखिर कब तक युद्ध करने की माला जपता रहेगा? यदि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता तो उसे इस तरह युद्ध करने के लिए विवश करना क्या उचित है? उचित तो यह भी नहीं है महाराज कि कोई योद्धा युद्ध भूमि पर जाए और युद्ध करने से ही इनकार कर दे। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई माझी नाव में सबको बैठा कर बीच समुद्र में ले जाए और फिर कहे कि मैं अब ये पतवार रख देता हूँ, अब नाव नहीं चलाऊंगा। तो इससे कृष्ण को क्या नुकसान? आत्मा को अमर बताकर भावनाओं की वर्षा में भीगे हुए अर्जुन के कोमल मन को क्यों पत्थर बना रहा है? यदि आत्मा अमर है तो क्या यह आवश्यक है कि युद्ध करके युद्ध भूमि को हजारों लाखों लाशों से ढक दिया जाए? इससे किसी को क्या लाभ पहुंचेगा? महाराज, युद्ध में हानि तो कौरवों और पांडवों दोनों को ही उठानी पड़ेगी, परंतु इस युद्ध का अंतिम लाभ किसे पहुंचेगा ये तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। और यदि अर्जुन के हथियार रख देने के कारण युद्ध ही न हो तो इसका लाभ निश्चित ही? हाँ महाराज, तब तो निश्चित ही इसका लाभ कौरवों को पहुंचेगा और उन्हें पांडवों को उनका राज
लौटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ठीक है। हे मधुसूदन, तुम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हो कि मन पर पूरी तरह काबू पा लो तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, परंतु मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है? साधन तो अवश्य है, सरल भी है, परंतु बड़ा दुष्कर भी है। सरल भी दुष्कर भी, इसका क्या अर्थ है केशव? इसका अर्थ है कि यदि तुम धीर मति वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो, तो यह काम सरल है, और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। ये दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? विश्वास से। किसमें विश्वास से? परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से, अपने धर्म में विश्वास से। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को एक जैसा ही समझकर अपने पथ से डगमगाओगे नहीं। हे अर्जुन, तुम शिष्य बनकर मेरी शरण में आए हो, इसलिए यहां तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग अथवा सांख्य योग की शिक्षा दी है। अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में वो गूढ़ विधि बताऊंगा जिसके द्वारा तू कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहेगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। पार्थ जय पराजय और लाभ हानि सुख दुख को कर ले स्वीकार आज तू समान भाव से। रण अलभ्य लाभ इससे वीर को न वंचित रख, तन सज्जित होने दे रण प्रदत्त भाव से। शस्त्र है खिलौने युद्ध भूमि खेल का आंगन, क्षत्रिय तो होते हैं युद्ध प्रिय स्वभाव से। होकर कटिबद्ध धर्म युद्ध हेतु प्रस्तुत हो, यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। इस प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। और यदि इस मानसिक वृत्ति से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे हो केशव कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा? युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा? यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग की रीत से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है और ना उसका पुण्य मिलता है। निष्काम कर्मयोग? हाँ, निष्काम कर्मयोग। ये कौन सा योग है माधव जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? यह एक गूढ़ विद्या है पार्थ। जो इसके रहस्य को समझ लेता है वो इस संसार में रहते हुए भी, संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव, मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है, और जो निष्काम कर्मयोग मैं बता रहा हूं उसकी बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, इस निरासक्ति योग को समझ लोगे
तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं? इस योग के नियम क्या है? उसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं। इसकी साधना तो एक ही क्षण में हो जाती है। एक ही क्षण में? हाँ, एक ही क्षण में। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है, वही क्षण। परंतु हे केशव, कोई भी मनुष्य एक ही क्षण में आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? जब वो कर्म करता है तो उसके फल की आसक्ति तो उसे कर्म का हिस्सा होती है, जिसके अंतर्गत फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। हे अर्जुन, बस यही से निष्काम कर्म योग की साधना शुरू होती है। अर्थात? अर्थात तुमने कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्मयोग यह सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। कर्म तेरे अधिकार में केवल, कर्म किए जा तू कर्म किए जा। त्याग के अर्जुन पालन अपना धर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तू इसका मर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तू इसका मर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। हे पार्थ, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है। हे मधुसूदन, मैं जिस काम का संकल्प करूंगा वो काम तो मैं करूंगा ही। जब भोजन करने का निश्चय करके बैठूंगा तो निवाला उठाकर मुंह में रखूंगा ही, तभी तो उसे खाऊंगा। यदि वो खाने का निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो उसे तुम मुंह तक तो ले जाओगे, परंतु उस ग्रास का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रख सकोगे। हे अर्जुन, केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। वो कैसे? मैं बताता हूं कैसे। पार्थ, तनिक उस दृश्य की कल्पना कि नगर धनवान के सामने बड़े स्वादिष्ट भोजन की थाली परोसी गई है। थाली सोने की है, कर्मा गरम व्यंजन भरे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत प्रसन्न हो रहा है। वो बड़ी प्रसन्नता से पहला निवाला उठाता है। देख लिया कि प्रारब्ध में ना हो तो मुंह तक पहुंचकर भी निवाला छिन जाता है।
परंतु हे अर्जुन, इस उदाहरण का ये अर्थ भी नहीं है कि तुम सब कुछ प्रारब्ध पर छोड़कर स्वयं अकर्मण्य हो जाओ। याद रखो, मैंने कहा है, मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। हे केशव, तुम्हारे कहे अनुसार यदि फल प्रारब्ध ने अपनी मर्जी से देना है तो फिर प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? कर्म करने की आवश्यकता क्या है, ये जानने से पहले ये तो जान लो कि प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध कैसे बनती है। हे केशव, प्रारब्ध क्या है उसे जानने में क्या मुश्किल है? ये तो सीधी सी बात है कि जो भगवान की इच्छा है वही मनुष्य का प्रारब्ध होती है। नहीं अर्जुन, नहीं, ये धारणा सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि मैं किसी के प्रारब्ध नहीं बनाता, ना मैं किसी प्राणी के कर्म अथवा कर्म फल के हिसाब में दखल देता हूं, इसलिए प्राणी की प्रारब्ध बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं होता। फिर कौन बनाता है प्राणियों का प्रारब्ध? प्राणियों के अपने कर्म। अर्थात? अर्थात ये कि प्राणी जैसे कर्म करेगा उसका वैसा ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का हिसाब है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राणी इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो टल नहीं सकता। इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। कर्म के बंधन से आवागमन या जन्म जन्मांतर का क्या संबंध है? मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है उन कर्मों के फल के रूप में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य। दोनों का दुख सुख भोगते हुए मनुष्य अपने नए जीवन में जो कर्म करता है उनका हिसाब पाप पुण्य के खाते में नए सिरे से लिख दिया जाता है। इस तरह इन नए कर्मों को भोगने के लिए एक और नया जन्म लेता है और जन्म जन्मांतर का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है और मनुष्य की आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन नहीं होता, जिसे मोक्ष कहते हैं। हे कृष्ण, इसका अर्थ तो यह हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पाप और पुण्य से बचने के लिए कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए, सारे कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता, कर्म तो उसे हर स्थिति में करना पड़ता है। परंतु सन्यासी तो कर्म का त्याग तो करते ही हैं। हे पार्थ, सन्यासी भी कर्मों का त्याग नहीं करते न ही कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि सन्यासी भी कर्म करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, साधना करना, ये सब भी तो कर्म ही है। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? अकर्मण्यता श्राप है, कर्म योग वरदान। कर्म किए बिन जगत में प्राणी मृतक समान, प्राणी मृतक समान।
यदि प्रारब्ध ही सब कुछ है तो कर्म की आवश्यकता क्या है। कर्म बिना प्रारब्ध न बनता, इसलिए कर्म विधान बना है। फल पर यदि अधिकारी नहीं तो फल पर यदि अधिकारी नहीं तो कर्म का पौधा क्यों बोना है। फल पर यदि अधिकारी नहीं तो कर्म का पौधा क्यों बोना है। कर्मों के फल की प्राप्ति है अर्जुन, जन्मों का लेखा जोखा है। कर्म से हो सब धर्मों का साधन, इसलिए कर्म में महत्व बड़ा है। हे केशव, जब कर्म से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता तो वो कर्म कैसे करे कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिले। हे पार्थ, इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझ कर करे, फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल का वो विधान की इच्छा समझ कर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपना कर कर्म योगी बन जाते हैं। वाह प्रभु वाह। बहती रहेगी गीता की गंगा, कर्म की धारा भक्ति की धारा, अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म कृष्णा 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 हरे हरे।